दोस्तों अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और उस पे चेक बुक नहीं है और आप चेक बुक लेना चाहते हैं और वो भी घर बैठे बिना ब्रांच गए हुए, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के योनो एप्लीकेशन के अंदर एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू जो है हम अपने अकाउंट को जो है चेंज कर सकते हैं, यानी कि नॉर्मल अकाउंट से चेक बुक वाले अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो है चेक बुक भी हम अपनी इशू कर सकते हैं। इसके लिए हमको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो ये काम करेंगे हम योनो एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए दोस्तों फटाफट से जो है हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं कि आपको जो है कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप जो है फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि अपने बिना चेकबुक वाले अकाउंट को हम चेकबुक वाले अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं योनो एप्लीकेशन की मदद से। तो हम अपना योनो एप्लीकेशन जो है ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे जो है एम पिन डालने के बाद जो है इसे लॉगिन कर लेंगे। तो हमने जो है अपना एम पिन डालने के बाद जो है इसे लॉगिन कर लिया है। तो एप्लीकेशन लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाइए। नीचे आके जो है आपको क्विक लिंक्स में कुछ लिंक दिखेंगे जहाँ पे एक सर्विस रिक्वेस्ट का आपको दिखेगा, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लोन के आगे एक अकाउंट का आपको दिखेगा, तो अकाउंट वाले पे हमें क्लिक कर लेना है। अकाउंट वाले पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको देखिए कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको मिल जाएगा एक्टिवेट SMS अलर्ट का, दूसरा मिल जाएगा चेंज अकाउंट टाइप का, और उसके बाद शेड्यूल रिक्वेस्ट का मिलेगा, नीचे मिलेगा मैनेज नॉमिनी का। तो ये सारे वर्क आप जो है यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने अकाउंट को चेंज करने के लिए कि अगर आपका चेकबुक वाला अकाउंट नहीं है तो आप उसे कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे बीच वाले बॉक्स में चेंज अकाउंट टाइप लिखा, तो बीच वाले लिंक पे हम जो है क्लिक कर लेंगे। और बीच वाले लिंक पे क्लिक करते ही देखिए कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि मेरा यहाँ पे लॉगिन हो गया है, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। अगर आपका चेकबुक वाला अकाउंट होगा तो आपको यहाँ पे मना कर देगा कि यहाँ पे कोई अकाउंट जो है अवेलेबल नहीं है। थोड़ा सा डेमो के लिए मैं आपको अपना दूसरा योनो वाला एप्लीकेशन जो है ओपन करके दिखा दे रहा हूँ कि वहाँ पे आपको कैसा दिखेगा। तो मैं दूसरा वाला अकाउंट आपको लॉगिन करके दिखा दे रहा हूँ एक सेकंड के लिए, जिससे कि आपको कन्फर्म हो जाए कि यहाँ पे आपको कन्फर्म हो जाएगा आपका चेकबुक वाला अकाउंट है या नॉन चेकबुक है। तो यहाँ पे हमने अपना दूसरा अकाउंट लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे जाते हैं सर्विस रिक्वेस्ट में और सर्विस रिक्वेस्ट पे अकाउंट पे जाते हैं। अकाउंट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे चेंज अकाउंट टैब पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमें मना कर दिया नो अकाउंट अवेलेबल, यानी कि यहाँ पे जो हमारा ये वाला अकाउंट है ये चेकबुक वाला है और जो दूसरा अभी आपको दिखाया था वो बिना चेकबुक वाला है, यानी कि वो हमारा टाइनी अकाउंट है। तो इसे हम ओके कर देते हैं और चलते हैं उसी एप्लीकेशन पे जहाँ पे हमने अभी आपको दिखाया था। तो ये वाला है देखिए ये, तो यहाँ पे जो है हमें कोई मैसेज नहीं आया, यानी कि यहाँ पे साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है देखिए कन्वर्ट टू अकाउंट विद चेकबुक फैसिलिटी। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको दिखाया था इंटरनेट बैंकिंग क्रिएट करके, ये हमारे टाइनी अकाउंट पे थी, तो इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं टाइनी से चेकबुक वाले अकाउंट में। तो इस पर हम प्लीज सिलेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे लिंक पे, और यहाँ पे हमारा अकाउंट नंबर आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है इस पर क्लिक कर लेंगे, और क्लिक करने के बाद नीचे आ रहा है नेक्स्ट, तो हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एक OTP जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, तो आप अपना OTP देख लीजिए। तो आपका जो OTP आएगा वो आपको इस बॉक्स में डालना है। मेरे पास आ गया है, आपको दिख रहा होगा 20/19/28 है, मैं डाले दे रहा हूँ 20/19/28। OTP डालने के बाद आपको क्या करना, नीचे आना, नीचे सबमिट का मिलेगा तो सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। सबमिट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक मैसेज आ गया है कि चेकबुक फैसिलिटी कैन नॉट बी इनेबल ऑन दिस अकाउंट, यानी कि ये टाइनी अकाउंट है तो टाइनी अकाउंट पे आप चेकबुक नहीं ले सकते, इसलिए ये मैसेज आ गया। अगर आपका ये जनरल अकाउंट होता तो आप यहाँ पे चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो मैंने आपको केवल ये समझाने के लिए वीडियो बनाया था कि अगर आपका जनरल अकाउंट है बड़ी बैंक से खुला हुआ है तो आप उसे जो है इस तरीके से चेंज कर सकते हैं और चेकबुक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप जो चेकबुक रिक्वेस्ट करके चेक अपने घर पे मंगा सकते हैं। तो फिलहाल ये हमारा टाइनी अकाउंट है, दूसरा कोई अकाउंट हमारे पास ऐसा नहीं है जिस पे चेकबुक इशू ना हो, तो इसलिए जो इस प्रोसेस को आगे नहीं दिखा सकता हूँ। बाकी यहाँ पे अब आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो सक्सेसफुली हो जाएगा। मुझे ये एरर आया है, आपको यहाँ पे एरर ना आके सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और आपका अकाउंट जो है चेकबुक वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको चेकबुक मंगानी है तो यहाँ पे चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। दोबारा से जाएंगे सर्विस रिक्वेस्ट में, चेकबुक लेने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है आपको जाना अकाउंट पे अभी गए थे उसके नीचे आ रहा है चेक का, तो चेक वाले पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिक्वेस्ट चेकबुक का सबसे पहला लिंक आपको मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो अभी जैसे कि हमारे में चेकबुक वाला अकाउंट नहीं है, तो अभी जैसे कि आपको पता है हमारा चेकबुक वाले में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट अकाउंट आएगा ऊपर, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपने अकाउंट को और यहाँ पे चेक का लेवल पूछा जाएगा आप कितने की, यानी कि कितने पेज की चेकबुक चाहते हैं, 25, 50 जितने के भी चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए।
और यहाँ पे नीचे एक चेक बॉक्स आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है डिलीवरी एड्रेस आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ पे लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, रजिस्टर्ड एड्रेस और लास्ट डिस्पैच एड्रेस और न्यू एड्रेस। अगर आपका अकाउंट में जो लिंक एड्रेस है उसी पे मंगाना चाह रहे हो तो रजिस्टर्ड एड्रेस पे करेंगे, और अगर आपने पहले कोई चेक बुक मंगाई है तो जिस एड्रेस पे आई है उस पे बीच वाले पे क्लिक करें, लास्ट डिस्पैच एड्रेस, और अगर आप किसी नए एड्रेस पे मंगाना चाह रहे हैं तो न्यू एड्रेस पे क्लिक करके मंगा लेंगे। तो हम रजिस्टर्ड एड्रेस पे क्लिक कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे अकाउंट से आपका एड्रेस उठा लिया जाएगा और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक बार रिव्यू कराएगा, आप देख लीजिए सारा कुछ यहाँ पे सही है कि नहीं है एड्रेस वगैरह हमारा। उसके बाद जो है नीचे कन्फर्म है, कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया था मेरा चेकबुक वाला अकाउंट नहीं हो सकता ये, क्योंकि टैनी अकाउंट है और टैनी अकाउंट चेकबुक पे नहीं हो सकता, उस पे केवल आप एटीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैसेज दिख रहा होगा चेकबुक नॉट अवेलेबल ऑन दिस अकाउंट, यानी कि इस अकाउंट पे हमें चेकबुक नहीं मिल सकती है। तो अगर आपका जनरल अकाउंट है और आपका चेकबुक नहीं है तो आप इस तरीके से मंगा सकते हैं। यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना, एक ओटीपी जाएगा और जो चेकबुक आपका इशू हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल आपको यही समझाना चाह रहा था कि अगर आपका बिना चेकबुक वाला अकाउंट है तो उसे चेकबुक वाले अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे और चेकबुक जो है कैसे मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों प्रोसीजर आपको करके दिखा दिए हैं। हालांकि मेरा ये टैनी अकाउंट है तो इसके लिए मैं मजबूर हूँ कि वो टैनी अकाउंट पर चेकबुक नहीं ले सकते हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें यहाँ पे नहीं ले सकते हैं ऐसे जब तक हम जनरल में कन्वर्ट नहीं कराएंगे। तो ये दोनों जानकारी मैंने आपको दे दी है इस वीडियो के माध्यम से कि आप जो अपने नॉर्मल अकाउंट को जो है चेकबुक वाले अकाउंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और आप चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कहां से कर सकते हैं। हालांकि ये टैनी अकाउंट था तो इसमें जो है हम चेकबुक नहीं ले सकते, ये केवल आपको उदाहरण में समझाने के लिए था क्योंकि मेरे पास एक भी अकाउंट ऐसा नहीं जिसपे चेकबुक ना हो। तो फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई अकाउंट नहीं था जिसके जरिए मैं आपको ये पूरा प्रोसेस जो है करके दिखाता। तो हालांकि प्रोसेस पूरा ही हो गया है, जहाँ पे मुझे लास्ट में मैसेज दे दिया था कि ये अकाउंट जो है चेकबुक वाले अकाउंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, वहीं पे आपको ये मैसेज न देके आपका जो है सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट जो है कन्वर्ट हो गया है चेकबुक के लिए, और उसके बाद जो है जैसे मैंने बताया आप चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और एड्रेस भी आप जो है डिफर दे सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंट के अलावा किसी दूसरे एड्रेस पे मंगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप न्यू वाले एड्रेस पे जाइए, एड्रेस फिल कीजिए, उस एड्रेस पे आपकी चेकबुक आ जाएगी। तो इस तरीके से आप जो अपने नॉर्मल अकाउंट को चेकबुक वाले अकाउंट में कन्वर्ट करके और जो है उसमें चेकबुक बहुत ही आराम से अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रांच में विजिट नहीं करना पड़ेगा। मैं आगे कोशिश करूंगा, कोई अगर अकाउंट मुझे ऐसा मिल जाता है जो नॉर्मल होता है और चेकबुक वाला नहीं होता है तो मैं आपको जो है एक वीडियो और जो है फ्यूचर में बना के दूंगा इस पे, जिसमें आपको मैं पूरा जो है सक्सेसफुली करके दिखाऊंगा। हालांकि यहाँ पे आप कोई डाउट मत करना, जो प्रोसेस मैंने बताया है सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे लास्ट में मुझे एरर आया था, आपका जो है सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। तो आज दोस्तों इस वीडियो की जानकारी से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक शेयर कर लेना और हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक छोटी सी घंटी आएगी उसे भी दबा के प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।